नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। तरन तारण के अधीन आते गांव गलालीपुर में पुरानी रंजिश के चलते एक नौजवान का गोलियां मारकर किया कत्ल, पुलिस जांच में जुटी। नकोदर के थाना सदर की पुलिस ने बुलेट सवार दो नौजवानों को किया काबू। 3 किलो 200 ग्राम हेरोइन, 78,000 रुपए की ड्रग मनी, 4 मोबाइल फोन किए बरामद। जालंधर के सेंट्रल टाउन स्थित मनी एक्सचेंज की दुकान में दिन दहाड़े चोरों ने ताले तोड़कर लाखों रुपए की नकदी चुराई, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी। और अब हलचल विस्तार से। जिला तरनतारन के अधीन आते गांव गलालीपुर के खेतों में पुरानी रंजिश के चलते अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोलियां मारकर 35 वर्षीय नौजवान का कत्ल करने का मामला सामने आया है। मृतक नौजवान की पहचान सुखप्रीत सिंह निवासी गांव हरिके के तौर पर हुई है, जो कि गांव गलालीपुर में पिछले 6 महीनों से अपनी बुआ अमरजीत कौर के पास रह रहा था, जिसकी 2 बजे के करीब खेतों में अज्ञात व्यक्तियों ने लगभग 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी। इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतक के पिता गुरचरण सिंह ने बताया कि सुखप्रीत की कुछ व्यक्तियों के साथ पुरानी रंजिश चल रही थी। उन्हें शक है कि उनके लड़के का कत्ल उन व्यक्तियों ने ही किया है, इसीलिए पीड़ित परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंचे चौकी मानो चाहल के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तरन तारण सिविल अस्पताल में भिजवा दिया है और पारिवारिक सदस्यों के बयान कलमबद्ध किए जा रहे हैं। भिक्की विंड से हलचल के लिए भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तो अननोन परसन आ के जेडे एक इतने सी पहला ओवर 302 टाइप ऑफ वांटेड सी पीओ बनया जी, बट अजे इसी नु क्लेरिफाई करांगे। जेदी गुंडे दी डेथ हुई है, फर्दर ये है कि असी मौका विजिट कर लिया, देन इस तो बाद असी हुण सीसीटीवी चेक करांगे कि केड़े बंदे आए हैं। नकोदर के DSP सुखपाल सिंह की ओर से प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया गया कि सदर थाना प्रभारी यादविंदर सिंह और उनकी टीम की ओर से गांव वीर के फाटक के नजदीक एक बिना नंबर के बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवानों को काबू किया गया है, जिनकी पहचान जगदेव सिंह और गुरजीत सिंह के तौर पर हुई है, जिनकी तलाशी लेने पर उनके पास से 3 किलो 200 ग्राम हेरोइन, 78,000 रुपए की ड्रग मनी और 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी गुरजीत सिंह के मामा राकेश कुमार उर्फ केशा से भी जालंधर STF की टीम ने पहले 5.5 किलो हेरोइन बरामद की थी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ये जी कल साढ़े SHO सदर नकोदर इन्हों इनफॉर्मेशन सी कि कोई दो जड़े ने, एक गुरिंदर जी ते जगदेव, ये दोनों जड़े है ये नशा वेचन का आदि ने, इलाका जड़ा नकोदर के एरिए दे विच नशे वगैरह का जड़ा वड्डे तौर पर जड़ा कर रहे हैं समगलिंग, एंड अज भी जड़ा वा ये इत्थे किते जे नाका वगैरह लाया जावे तो काबू आ सकते हैं। जिस ते इन्होंने जड़ा नाका ला के ते इन्हों काबू किया और इन्हों दे पासों जड़ा साढ़े जड़े मानजोग SSP साहब सरदार मुखविंदर सिंह भुल्लर जी अते SPD साहब जलंधर, उन्होंने दिशा निर्देशों मुताबक जी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जी है नशियां दे खिलाफ रखते हुए और नशियां नूं बिल्कुल दृढ़ संकल्प है असी अपने एरिए बिल्कुल रेडिकेट करने लिए, उस तहत ही इन्हों गिरफ्तार करके इन्हों के पासों जो गुरिंदरजीत है ये को 2.5 किलो हैरोइन और जोड़ा जगदेव है ये को 502 ग्राम जी हैरोइन वह बरामद की गई। और इस तू अलावा ये जो गुरजीत सिंह है, इतने मैं मैनशन करना चाहवागा भी गुरजीत सिंह का जोड़ा अपना मामा है
ਇਹ ਕੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 5.5 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। जालंधर सेंट्रल टाउन में स्थित मनी एक्सचेंजर की दुकान में दिन दहाड़े अज्ञात चोर ताले तोड़कर लाखों का कैश चुरा कर ले गए। थाना 3 की पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए टेक्निकल जांच शुरू कर दी है। मनी एक्सचेंजर विवेक ने बताया कि वे शाम करीब 4 बजे दुकान को शीशे वाले दरवाजे का लॉक लगाकर किसी काम से चले गए थे। कुछ देर बाद जब वापस आए तो देखा कि शीशे वाले दरवाजे का सेंट्रल लॉक टूटा पड़ा था और अंदर जहां लाखों की नकदी पड़ी हुई थी उसका भी लॉक टूटा पड़ा था और कैश गायब था। दुकानदार की तरफ से शोर मचाने पर आसपास के लोग जमा हुए और थाना 3 की पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी। सीसीटीवी फुटेज में एक युवक सफेद रंग की एक्टिवा पर सवार होकर आता दिखाई दे रहा है और वो शीशे वाले दरवाजे का सेंट्रल लॉक खोलकर बड़े आराम से अंदर चला जाता है। इसके बाद लॉकर तोड़कर लाखों की नकदी एक थैली में डालकर बड़े आराम से निकल जाता है। वहीं थाना 3 के प्रभारी इंस्पेक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। नाम विवेक कुमार है जी, मेरा दफ्तर है सेंट्रल टाउन गली नंबर 8 दुकान नंबर 20 बैक साइड गुरुद्वारा दीवान स्थान है। कल शामी तकरीबन गल 4 बजे की है, मैं वॉशरूम करन गया सीगा नाल ही, ते उत्थों दी जदों मैं वापस आके देखा, मैं लॉक लगा के अपनी दुकान में गया सीगा, गला भी लॉक सीगा। मैं जदों वापस आया तो देखा कि मेरा बाहर का दरवाजा जिहड़ा हैगा आ उहदा लॉक खुला सीगा। मैनू शक होया, मैं अंदर आया तो देखा कि गले का लॉक भी सारा ये खुला सीगा। जाके आके देखा वा तो इत्थों दी पैसे कैश वगैरह जिन्ना सीगा, मेरे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड मेरा पर्स चैकबुक जिहड़ा बैग बनया होया सीगा उह प्लस मेरे जिहड़े कैश थोड़े पे हुए थे वो सारा चक के लैके जा चुका। तकरीबन 2 लाख के तकरीबन मेरा कैश है, बाकी मेरे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और चैकबुक सी तो वो लैके जा चुका है। जिहड़ा बंदा है वो अनपछाता है, वो मुँह बन के आया सीगा, पग उन्हें बनी हुई सी और वाइट एक्टिवा आया है जिहदे ते नंबर नहीं है, और वो इधरों दी 2-4 मिनट के उन्हें कर के पैसे चक के तो वो मनी ढाबे वाली साइड से शास्त्री मार्केट वाली रोड से निकल गया। आपां सीसीटीवी चैक की है तो अपना 3 नंबर चौंकी आप कंप्लेंट लिखाती है, उन्होंने हजे FIR दर्ज नहीं की है, इनकुआरी तो बाद FIR दर्ज करेंगे और अपनी दुकान की अपना अंदर की वीडियो फुटेज और बाहर की वीडियो फुटेज दोनों प्रोवाइड करती है। नगर निगम की बिल्डिंग विभाग की टीम की ओर से अवैध कब्जों के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम निरंतर जारी है, जिसके चलते दिन चढ़ने से पहले ही तड़कसार अवैध निर्माण पर एक्शन करते हुए 20 के करीब दुकानों को सील किया गया। ATP सुखदेव सिंह की देखरेख में की गई कार्रवाई के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में 20 दुकानों को सील किया गया। ATP सुखदेव सिंह ने बताया कि निगम कमिश्नर आदित्य उप्पल, एडिशनल कमिश्नर शिखा भगत के आदेश पर जालंधर कैंट हल्के के क्षेत्र में पड़ते खुरला केंद्र क्षेत्र में साई मंदिर के पास बन रही 4 दुकानें, बैंक कॉलोनी से 8 बैंक एनक्लेव में 3, भाई बन्नोजी नगर में 1 दुकान को जहां सील किया गया, मेम्ब्रो चौक के पास बन रही एक अवैध बिल्डिंग का निर्माण कार्य रुकवाया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, तो वहीं लोगों से अपील की है कि वे नक्शा पास करवाकर ही निर्माण कार्य करवाएं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। करीब अनधिकारित उसारियां सील दिखाई गई, उन्होंने 4 बैंक कॉलोनी के रीसीलिंग है, उन्होंने एफिडेविट दिता गया सीगा भी आपां एज़ पर बायला कर लांगे, पर 1 साल के करीब बीतने के बाद भी उन्होंने कोई नहीं दिखी गई। व्यापारिक उसारियां भी सारी 2 गोल मार्केट हुई हैं, 8 रीसीलिंग हुई हैं राजा गार्डन के, 1 हैप्पी इंजीनियरिंग श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के आदेशों पर बनी 5 सदस्यीय कमेटी, जिसमें SGPC के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका, सीनियर अकाली नेता विरसा सिंह बलटोहा, अजीत प्रकाशन समूह के मालिक बरजिंदर सिंह हमदर्द और बलवंत सिंह राजुआना की बहन कमलदीप कौर राजुआना की ओर से SGPC के मुख्य कार्यालय में मीटिंग की गई।
इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बरजिंदर सिंह हमदर्द ने कहा कि उनके द्वारा लगातार केंद्र सरकार से बंदी सिंहों की रिहाई को लेकर संपर्क किए जा रहे हैं, लेकिन 22 जनवरी के अयोध्या उद्घाटन के चलते सरकार से राबता नहीं हो पा रहा है, जिस कारण थोड़ी देरी हो रही है। इसके बाद उन्हें उम्मीद है कि इस मामले में सरकार के साथ बैठकर बातचीत की जाएगी और बंदी सिंहों की रिहाई को लेकर पूरे यत्न किए जाएंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हुण जिहड़ा श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार जी ने कमेटी बनाई है, उहदे च कुछ मीटिंगां असीं कीतियां, कुछ संपर्क भी केंद्र नाल कीते है, ते उधरों सानू उम्मीद है कि ठीक ते चंगा हुंगारा जरूर मिलेगा। साढ़े हुण तक दे जिहड़े यतन है, हुण शायद 22 तरीक तक राम मंदिर दी उसारी करके इनैगुरेशन करके कुछ काम पिछले दिनों तो शायद उन्हों का ध्यान उधर ज़्यादा, पर मैनू उम्मीद है कि साढ़े जिहड़े यतन है वो छेती तुहानू कोई अच्छी असी खबर दे। जालंधर देहात की लड़की के अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। देहात से एसएसपी मुखविंदर सिंह भुल्लर के आदेशों पर थाना लांबड़ा की पुलिस के इंचार्ज जितेंद्र कुमार ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान प्रिंस पुत्र भजन सिंह निवासी राजपूत नगर मॉडल हाउस के रूप में हुई है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह धोगड़ी ने बताया कि 26 दिसंबर 2023 को कुलदीप सिंह सरपंच गांव तराड़ ने थाना लांबड़ा के प्रभारी इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह की टीम को सूचना दी थी कि गांव गदो वाली सड़क के पास अज्ञात लड़की का शव मिला है, जिसके बाद उनकी टीम ने जांच की तो पता चला कि लड़की का गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस जांच के दौरान मृतका की पहचान शमा निवासी ढलोवाल डाकखाना दुर्गाबाद थाना कोटली गुरदासपुर के रूप में हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को उसके परिजनों को सौंप दिया था। इस दौरान शमा के मोबाइल के जरिए पुलिस टेक्निकल तरीके से आरोपी तक पहुंची और पुलिस ने आरोपी प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी सुरेंद्र पाल ने बताया कि उनकी टीम आरोपी को कोर्ट में पेश करके उसका रिमांड हासिल करेगी। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ਮਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਲਾਂਬੜਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਟੋ ਲਿਆ, ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਗਈਆਂ। ਲੜਕੀ ਇਕੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ 1 ਵਜੇ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਟੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਆਟੋ ਦਾ ਚਾਲਕ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਟੋ ਨੂੰ ਬੇਵਾਦ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਉੱਧਰ ਘਾਹ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਖੰਬੜਾ ਚਰਚ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਗੱਦੋ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤਰਾੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬੇਵਾਦ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਟੋ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਟੋ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਵਾਦ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਉਸੇ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਪਲੈਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰੂਟ ਪਲੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਟੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਟੋ ਸਾਡੇ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਟੋ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਆਟੋ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜਪੂਤ, ਇਹਦੀ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਨਗਰ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਕੋ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ वैज्ञानिक तरीके से अपडेट करने के लिए पुलिस कमिश्नर की ओर से 10 नई एसयूवी मोहिंद्रा बोलेरो को नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने बताया कि इस पहल कदमी का उद्देश्य किसी भी तरह की इमरजेंसी की स्थिति में लोगों की मदद करना है। उन्होंने कहा कि ये अत्याधुनिक वाहन
किसी को भी अपराध के स्थान और घटना के स्थान पर तुरंत पहुंचाकर जवाब देने के योग्य बनाएगा। उन्होंने कहा कि ये कदम शहर के लोगों की सुविधा के लिए पुलिस के आधुनिकीकरण और नवीनीकरण की तरफ एक और बड़ा कदम है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जालंधर के सिद्ध माँ बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्बापिंड चौक में श्री शनिदेव महाराज के निमित्त श्रृंखलाबद्ध दिव्य हवन यज्ञ के आयोजन के साथ साथ भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष में अक्षत निमंत्रण को भी ग्रहण किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के संयोजक रितेश शर्मा एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रामदूत रमेश कुमार ने सिद्ध माँ बगलामुखी धाम में अक्षत निमंत्रण प्रभु श्री राम के जयकारों के बीच नवजीत भारद्वाज एवं अन्य सेवादारों को समर्पित किया गया। सबसे पहले मुख्य यजमान ठाकुर बलदेव सिंह से सपरिवार वैदिक रीति अनुसार ब्राह्मणों ने हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई, जिसके बाद नवजीत भारद्वाज ने आए हुए भक्तों से रामचरित मानस की चौपाइयों की व्याख्या कर भक्तों को निहाल किया। इस अवसर पर राकेश प्रभाकर, श्वेता भारद्वाज, पूनम प्रभाकर, सरोज बाला, बलजिंदर सिंह, समीर कपूर, अमरजीत सिंह, बाबा जोशी, नवदीप उदय, अजीत कुमार, गुलशन शर्मा, अश्वनी शर्मा धूपवाले, मुनीश शर्मा, अनीश शर्मा, साहिल, सुनील जग्गी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। बोलो भगवान श्री राम जी की जय हो। आज साडे जिहड़े मां बगलामुखी धाम दे सारे सेवादार है, इन्हां नूं श्री राम जन्मभूमि न्यास वल्लों अक्षत जिहड़े प्राप्त होए है, भगवान श्री राम जी दे जिहड़ा पावन तीर्थ है अयोध्या धाम दे विच, श्री राम लला जी दा जिहड़ा चल रिहा इस वेले मूर्ति स्थापना समारोह, उहदे उपलक्ष्य दे विच साडी सारी कलोनी नूं असीं जिहड़ा अक्षत वितरित करांगे, और जिहड़ा भी महानुभाव जिन्हां नूं हजे तक अक्षत नहीं मिले होण साडे नेड़े दी कलोनी दे विच या किते भी होवे, उह साडे किसे भी सेवादार नाल अपना संपर्क कर सकदा है, उहदे घर तक अक्षत असीं पहुँचाउण दी जिम्मेवारी लवांगे, और जिहड़े भी महानुभाव अक्षत लैणा चाहुंदे है उह माँ बगलामुखी धाम आ के श्री राम जन्मभूमि न्यास दे जिहड़े पावन अक्षत हैगे है उह आ के ग्रहण कर सकदे है, और संकल्प लैण 22 तरीक नूं जिहड़ा भगवान श्री राम जी दा पूरे दा पूरा संसार महोत्सव मना रहा हैगा उन्हां दे स्थापना दिवस दा जिहड़े मंदर दा उहदे लई सारे जिहड़े साडे भी सेवादार है उह कृत संकल्प है, और सारे मंदरां नूं और सारे जिहड़े भी साडा समाज है हिंदू समाज है उहनूं करबद्ध प्रार्थना है कि उह अपने अपने घरां दे विच जैसे साडे महान भावां ने कहा कि 5 दीए देसी घे दे हो सकन ते बहुत वधिया, अपने व्यापारिक स्थानां दे विच अपने घरां दे बाहर फ्रंट दे उत्ते दीवे जलाईए, हो सके दीपमाला करिए, लड़ियां लगाईए, और नाना प्रकार दे नैवेद्यां दे नाल अपने अपने नेड़े दे जिहड़े मंदर है उहनां 'च जा के भगवान जी नूं भोग लगाईए और उहनां दा गुणगान करिए, यही साडी करवत प्रार्थना है। और माँ बगलामुखी धाम नूं भी बिल्कुल 22 तरीक नूं सुंदरकांड दा पाठ होएगा और उस तों उपरांत लंगर भंडारा होएगा और बहुत ही सुसज्जित ढंग दे नाल मंदर नूं सजाया जाएगा। ये मैं जिहड़े भी महानुभाव है उहनां नूं आश्वासन भी दिंदा और अपने सेवादारां वल्लों भी यही कहना कि असीं सारे रल के 22 तरीक नूं भगवान श्री राम जी दे जकारे लाईए और उहनां दीआं दसियां होईआं जिहड़ीआं नीयतियां हैगीआं उहनां ते चलीए और अपने देश नूं उज्ज्वल करिए। बोलो भगवान श्री राम जी की जय हो। इहदे विच सारिआं नूं निमंत्रण तां नहीं जा सकदा क्योंकि उत्थे आपां जा नहीं सकदे किस अनुभव नूं बुलाया होया, तो इस करके निमंत्रण पत्र हरेक परिवार नूं आया होया कि असीं अपने घर चों रहि के अपने गली नूं अपने मंदिर नूं अपने परिवार नाल मिल के अयोध्या धाम अपनी गली नूं मनाइए, इत्थे स्थापित करिए कि प्रभु श्री राम साडे कोल आए आ, ते असीं सारे मिल के 22 जनवरी नूं महादिवाली मनानी, 14 वर्ष बाद भगवान बनवास कट के आए सीगे ते असीं दिवाली मना रहे हैं, हुण 500 साल का संघर्ष करके आ रहे हैं तो इस वक्त महादिवाली जिदा दिवाली मनाई, तो उस तो भी बड़ा दिवाली उत्सव का मनाना चाहिए। मेरी यही बेनती है कि आप सारे मिल के इस शुभ अवसर के महादिवाली
आमंत्रित है तो आप महा दिवाली अपने परिवार ना मिलके अपने मंदिर चो अयोध्या धाम स्थापित अज माँ बगला मुखी धाम जरा कि गुलमोह सिटी लम्मा पिंड चौंक के को स्थित है उत्थे जेडे प्रभु श्री राम जी दे मंदिर स्थापित हो रहा है जरा अयोध्या के उत्थों जोड़े अक्षत जोड़े है पूजित अक्षत जोड़े वो मंदिर के आए थे तो वो सारा जोड़ा असी ग्रहण किए हैं है। और ये सारे जोड़े अक्षत है वो असी आस पास जिन्नी अपनी कलोनियाँ है जोड़े भी अपने जोड़े सेवादार है सारे वितरित किए जाएंगे और सबन यह अपील की जाती हैगी है कि वह प्रभु श्री राम जी के जोड़े आदर्श है उन्होंने उत्ते चलते हुए उन्होंने 22 जनवरी को जोड़ा मंदिर स्थापना हो रही है उन्हें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीए और उन्होंने आदर्शों के उत्ते अपना जोड़ा जीवन चलाई। गत दिवस सिविल अस्पताल अमृतसर में कैदी के भागने के कारण पुलिस अधिकारी परमजीत सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इस दौरान जिस ऑटो रिक्शा चालक की ओर से उस फरार कैदी को भाग कर पकड़ा गया था और पुलिस अधिकारी को अस्पताल में दाखिल करवाया गया था उस ऑटो रिक्शा में पुलिस अधिकारी परमजीत सिंह की पगड़ी गिर गई थी जिसके चलते ऑटो रिक्शा चालक मरहूम पुलिस अधिकारी की पगड़ी देने के लिए पुलिस कमिश्नर कार्यालय में पहुंचा जिसके बाद उसके द्वारा ये पगड़ी पुलिस अधिकारियों को सौंप दी गई। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सर कल का एक हादसा होया सी एक कैदी सी जो कि अपना मेडिकल करवाने वास्ते सिविल हॉस्पिटल आया सी उस दौरान उन्हें मौके का फायदा चुकते उतों भजन की कोशिश की जो कि उन्होंने मगर एक मुलाजम लगा उन्हें काफ़ी दौड़ के उन्हें काबू करने की कोशिश की मगर वह भज गया अगे लग के मैं दूरों वेख्या तो मैं सोचा कि मोबाइल खो के भजया है तो मैं यही कि मैं फड़ लेना इनू मैं अगे सी मैं गड्डी रोक के उन्होंने मैं फड़ लिया उन्होंने भज के वे मगर तो मैं उन्होंने हवाले करता पुलिस उन्होंने मुलाजम के मुलाजम सह चढ़िया कहते भी मैं ना हॉस्पिटल लैके जाना है तो उतों भजया वा तो मैं उन्होंने गड्डी बिठाया तो जो लैके जा रहे हैं आप हॉस्पिटल तो चंद कदमों की दूरी से वह गड्डी बेहोश होकर डिग गए उस दौरान वह कैदी ही जोड़ा वो दोबारा भज गया गड्डी चो सैकेंड टाइम भज गया वह कैदी वो भज गए उन्हें मौके का फायदा चुके तो काफ़ी दौड़ लाई वह भंडारी पुल तक पहुँच गया मैं मगर गया वा कला ही मैं भजया वे मगर गड्डी छड़ के उस दौरान मेरे गले चो भी किसी ने पैसे कढ़ ले सवेर के जो वटे ही तो मेरी उस जो मैं फड़िया उत्थे तो उन्हें मेरे से हमला किया मेरी जैकट भी उन्हें पाड़ दी उस तरह क्यों भजन की कोशिश करता पाया उन्हें वेख्या भी कला वा तो मैं शायद ही डर जाएगा मैं तो हमला कराँगा पर मैं क्या भी हूँ इनू एक बार भजया वा तो छड़ना नहीं मेरे कपड़े तो पाट ही गए ने इनू नहीं छड़ना हूँ मैं फड़ के दोबारा मैं लैके आया वहाँ तो वेख्या मैं आके मेरी गड्डी के बेहोश पे ने मैं उन्होंने लागे बंदे खलोते थी मैं उन्होंने रिक्वेस्ट की मैं भाजी इनू जान ना दो तो इनू अंदर लैके आना है मैं अंदर एमरजेंसी से मुलाजम इन्हों दे के आवा तो मैं उन्होंने मैं गड्डी लैके तो एमरजेंसी जो मैं गया वहाँ तो उत्थे स्टीचर वगैरह लभ के तो उन्होंने मैं काफ़ी जदोजहद उन्होंने अंदर लम्बे पाया वा कैदी ने भी फड़ के उस टाइम उस जगह पर लिया वा अंदर ही एमरजेंसी से उन्होंने इलाज चालू हो गया सी बाकी हूँ मैं रात मैं पग वेखी उन्होंने गड्डी के पीछे डिगी सी मैं यार पग उन्हों की है मैं कहा चलो सवेरे मिल के उन्होंने नाले हाल चाल पुछागा तो नाले पग देवगा मगर मैं रात ही पता लगता है भी उन्होंने डैथ हो गई है इस चीज़ का मैं बहुत अफसोस लगा क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी बड़ी हिम्मत के नाल बड़ी दलेरी के नाल उन्होंने निभाई उन्होंने उस दौरान उन्होंने मौत हो गई मैं कहूँगा वो ड्यूटी से शहीद हो गए ने। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान प्रभु श्री राम के आगमन की खुशी में विश्व भर में खुशी मनाई जा रही है। इसी उपलक्ष्य में श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेस वन में विशेष धार्मिक आयोजन होने जा रहे हैं। इसी संबंधी जानकारी देते हुए प्रधान राजेश अग्रवाल, अनुराग अग्रवाल, पंडित राजीव शर्मा ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी को मंदिर परिसर में सुबह हवन यज्ञ, संकीर्तन, फूलों की होली और सुंदर झांकियां दिखाई जाएंगी, जिसके बाद मंदिर परिसर में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। इस दौरान ढोल ताशे, हाथी घोड़े भी झांकियां के रूप में शामिल होंगे। देर शाम को गायिका पूनम शर्मा की तरफ से भगवान श्री राम के भजनों का गुणगान किया जाएगा। इस दौरान मंदिर में होने वाली दीपमाला का अलौकिक नजारा देखने को मिलेगा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप की रिपोर्ट।
मैं राजेश अग्रवाल प्रधान श्री गीता मंदिर अर्बन स्टेट फेज वन से सभी राम भक्तों को जो 500 साल के बाद हमें देखने को मिल रहा है भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में, आप लोगों को हमारे गीता मंदिर में सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक बड़ी स्क्रीन्स पर लाइव दिखाया जाएगा प्रोग्राम, और साथ साथ लंगर कॉफी चाय पकोड़े पेड़े बांटे जाएंगे, ढोल ताशे नगाड़े चारों तरफ मंदिर के भगवान श्री राम ही राम होंगे। आप मंदिर में आइए ठीक 4 बजे से लेकर 6 बजे तक 31,000 दीपक भगवान श्री राम के 31,000 दीपक राम भक्तों द्वारा यहाँ पर प्रज्वलित किए जाएंगे। आप लोगों ने आना है, भगवान श्री राम का दीपक जलाना है और भगवान श्री राम को बुलाना है। झंडे लेकर आइए, अपने घरों की सफाई करिए, हमने मंदिर की सफाई की है आप भी करिए, लाइटें लगाइए, 5-5 दीपक अपने घर के बाहर लगाइए। ये महादिवाली है, ये ऐसे देखने को नहीं मिलती। आप अपने आप को शाम को यहाँ मंदिर में लेकर आइए, 6 बजे भगवान श्री राम की चौकी होगी जिसे पूनम शर्मा जी करेंगी, लंगर साथ साथ चलेंगे, बाहर बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियां होंगी, हाथी घोड़े होंगे, बैंड बाजे होंगे, ताशे होंगे। आइए भगवान के जयकारे लगाते हुए जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। राज्य प्रभारी भारत स्वाभिमान राजेंद्र शिंगारी की अध्यक्षता में भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति युवा भारत एवं महिला पतंजलि योग समिति जालंधर की ओर से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर उद्घाटन के उपलक्ष में योग भवन माई हीरा गेट से रैली का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के सभी पदाधिकारी योग शिक्षक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर राजेंद्र शिंगारी जी ने बताया कि 22 जनवरी के शुभ दिन को अपने मोहल्लों कॉलोनियों में सुबह 11 बजे से 1 बजे के मध्य में शंख ध्वनि आरती करें और प्रसाद वितरण करें। इसके अलावा सायंकाल में सूर्यास्त के बाद अपने घरों में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाएं। इस अवसर पर सीमा शिंगारी, किरण चड्ढा, संजीव शर्मा, सोनू अग्रवाल, गुरुदेव सिंह, समीता कपूर, प्रमीला, नीलम सलवान, रेणु कपूर, पम्मी वर्मा, टीना, पूनम राजरानी, स्वतंत्र भाटिया, प्रवीण वेद सहित सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश की रिपोर्ट। हमारे जालंधर वासी भैन भरावां नूं जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत साडा वड्डा सौभाग्य है वी साडे इस काल दे विच, साडे जन्म दे इस काल च प्रभु राम 500 सालों बाद अपने जन्म स्थान पर स्थापित हो जा रहे हैं। 22 तरीक नूं असी सारे पंजाब वासी होम हम आके अपने घर महादीपावली मनाइए, मिठाइयाँ वंडिए, दीपमाला करिए और अपने घर भी राम राज्य घर भी राम राज्य स्थापित करिए और असी एक अच्छा समाज का निर्माण करिए। असी संकल्प लईए 22 तरीक नूं सारे नगर दे विच मंदरां च गुरुद्वारियां च हर जगह दीपमाला होवे और एक दूसरे नूं मुबारकबाद दित्ती जाए और इस पर्व नूं असी धूमधाम नाल मनाईए। ये साडे सारिआं दे स्वाभिमान दा दिन है 22 तरीक 22 जनवरी। तो मैं सारिआं नूं आशा करदा मुबारकबाद भी दिना है भी इस पर्व नूं असी बहुत धूमधाम नाल मनावांगे और हुण असी इत्थों माई रांगेट तो चलते हुए योग भवन तो चलते हैं एक रैली कढ़ांगे जिहदे च लोगों नूं असी दीप जलाण लई और अक्षत भी वंडने आ, कुछ असी उन्हां नूं संदेश भी देना है, पत्रिका जो राम मंदिर दे संबंध च पत्रिका वह भी देन जा रहे हैं, आमंत्रित करन जा रहे हैं भी उस दिन इनूं धूमधाम नाल मनाइए। राम गले के नाम करेंगे चलो राम का श्री राम जय राम जय जय राम। Yeah!
की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री राम जय राम जय जय अजय मल्होत्रा जिला प्रभारी पतंजलि योग समिति जलंधर बहुत ही धन्यवाद करना चाहना जिन्होंने प्रभु श्री राम जी की अपार कृपा के नाल अज सानू ये दिन देखने मिलिया कि मेरे प्रभु राम लला जी अयोध्या दे विच अपने जन्म स्थान ते विराजमान हो जा रहे 22 तरीक नू प्राण प्रतिष्ठा जी हो जा रही है उस दे संबंध दे विच मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि साडे पतंजलि योग समिति दे बाबा रामदेव जी का जिन्हां दी प्रेरणा दे नाल और पूरा सरकार दे नाल समर्थन दे के अज ये सानू दिन उन्होंने दिखाया कि 22 तरीक नू प्राण प्रतिष्ठा दे विच असी हिस्सा लईए वध चढ़ के उस दे संबंध दे विच हुणे ही असीं थोड़ी देर पहला एक रैली दे रूप दे विच पूरे शहर दे विच मुख्य मुख्य बाजारां दे विच इह संदेश दिंदे होए कि 22 तरीक नू भगवान श्री राम जी की जिहड़ी प्राण प्रतिष्ठा हो जा रही है उस दे विच असी सारे वध चढ़ के हिस्सा लईए और जिन्हें भी अपने मंदिर है गुरुद्वारे है और भी धार्मिक स्थान है उन्होंने दीपमाला करिए और अपने अपने घरों के लाइटिंग करिए मंदिरों के LED के नाल जिहड़ी अयोध्या तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो सारे लोगों तक पहुँचाया जाए दिखाया जाए। मैं बहुत बहुत अपने पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान महिला पतंजलि योग समिति और युवा भारत किसान पतंजलि योग समिति सारे का बहुत बहुत अज आभार प्रकट करता जिन्होंने इस रैली के बढ़ चढ़ के हिस्सा लिता और सारे नू इस चीज़ की प्रेरणा दी है कि अपने अपने घर दीपमाला की जाए और समूह संगत के नाल बाद दे विच लंगर के रूप में प्रसाद वितरण किया जाए सबनों। मैं फिर अपने वालों अपने संगठन वालों एक बार फिर श्री शीतल विज जी का दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक प्रधान श्री देवी दला मंदिर प्रबंधक कमेटी और उन्होंने भेजी हुई टीम विशेषकर जो साढ़े नाल रजनीश शर्मा जी आए हैं पूरा उन्होंने इस चीज़ की कवरेज दिखाई है। मैं हलचल परिवार का दैनिक सवेरा का समूह टीम का अपने संगठन वालों बहुत बहुत धन्यवाद करता फिर दोबारा अपील करता कि 22 तरीक को असी अपने अपने घर दीपमाला करिए और पूरा उस चीज़ का आनंद मानते हुए प्रसाद के रूप में लड्डू वंडिए खुशियां मनाइए नचिए गाइए और LED के नाल सारे लोगों अयोध्या का लाइव प्रोग्राम दिखाया जाए और उस तो बाद थोड़े देर बाद ही असी अपने संगठन वालों अयोध्या का प्रोग्राम बनावांगे। मैं सारे बेनती करता कि उस जाने भी अपनी अपनी तैयारी करो। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।